भाई मैं ये कहूँगा कि हम दादा साहब फाल्के को पितामह बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री का, और इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब मैं तो बहुत ही छोटा सा कलाकार हूँ, आज जितने भी हम बने हुए हैं सब इन्हीं की देन है। ये हमारे एक मुंबई के सबसे बड़े पितामह हैं जिन्होंने हम सबको यहाँ बसाया और अपने गले से लगाया। तो मैं इनके लिए एक ही कहूँगा जो मेरा गाना चलता आया है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो ये बात सही है कि अगर हमारे हाथ में जो कुछ भी होता हम इनके चरणों में अर्पण करते। मैं शमीम भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आज यहाँ आप लोगों के सामने आने का मौका दिया, खास करके दादा साहब फाल्के के नाम से। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के का फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी का अवार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। उस वक्त दिलीप साहब को और अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और आज मुझे स्पेशली मतलब शमीम साहब ने बुलाया है, क्योंकि अवार्ड तो एक बहाना है, ये मिलना है, मगर इतनी बड़ी शख्सियत के साथ अगर आपको उनके दर्शन करने का भी मौका मिले तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से जिस तरह से आज जिन सभी को मंच पे नए कलाकारों को भी जो सम्मानित किया जा रहा है, ये उनके लिए कितना अहमियत रखेगा? बिल्कुल रख रहा है, क्योंकि हमें उस सीख को, उस सींचे हुए पेड़ को, और उस जो उन्होंने ये हमारे लिए एक नींव बना के गए हैं उसको आगे बढ़ाना है उसी सच्चाई से। कि उसी सच्चाई से इसलिए क्योंकि जिस ज़माने में दादा साहब फाल्के ने फिल्म लाइन शुरू की थी उस ज़माने में इतनी टेक्निकल मतलब एडवांस नहीं था, उसके बावजूद भी दोनों पति पत्नी ने और उनके सहयोगियों ने मिलकर इंडस्ट्री को एक नया जन्म दिया। साइलेंट फिल्म से शुरू होकर आज बोलती हुई फिल्में आ गई, हम जैसे कलाकारों को यानी संगीतकारों को उसमें एक अलग से मुकाम मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, यानी मेरे तो बच्चे इसलिए कहूँगा क्योंकि नए कलाकार हमारे बच्चों की तरह ही है, क्योंकि हम उनको बच्चों की नज़र से ही देखते हैं कि भाई कल आज हम जिस मुकाम पे हैं कल वो हमारे मुकाम पे आएंगे, और ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु माता रानी भोलेनाथ उनको आगे सक्सेस करें। बस ईमानदारी से काम करें और दादा साहब अपने परिवार के साथ साथ दादा साहब फाल्के का भी नाम करें। दिलीप जी आज डबल खुशियां हैं, एक तरफ आपको अवार्ड भी मिल रहा है और 20 साल के बाद आपकी जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन 20 साल के बाद आज पहला सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अरे भाई चाचा भतीजे 20 साल, हाँ ये कह सकते हैं कि आज मैं अलका याग्निक जी की रिकॉर्डिंग से ही आ रहा हूँ अभी, और एक नई फिल्म के गाने की हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे मैं और समीर जी। तो जाहिर सी बात है चाचा भतीजे आज आज टुगेदर मतलब हम लोग साथ में थे, और अच्छा तो लगता ही क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक ही जगह पे मॉनिटर रूम में दोनों चाचा भतीजे साथ में बैठे, जब जैसे हम सहारा में बैठते थे, महबूब में बैठते थे, सनी में बैठते थे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आई होप कि आगे भी ईश्वर ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो हम फिर ये जोड़ी आपको कुछ ना कुछ धमाल करके बताएगी। थैंक यू।